एग्जाम्पल कह रहा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज गिवन बाय एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, सो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स. We assume that this relation is Pn, right? And we write this as 1 square plus 2 square. So n square. This is last term, so it should be n. N square, n, n plus 1. 2n plus 1 upon 6. ठीक है. Now let n is equal to 1. So what is p1? Now here p1 means for one term. इस n term में से हमें one term देनी, ये n is equal to 1, ये one term है at 1 square. और यहाँ पे n की value 1 put करेंगे तो आएगा 1, 1 plus 1, 2. Plus 1 upon 6. So this is 1 into 2 into 6, that gives me 1. So we get 1 is equal to 1. So this is true for n is equal to 1. This is true for n is equal to 1. Yes, it's true for n. Ab agar ye n is equal to 1 ke liye true hai, toh hume kya assume karna hai? Hume assume karna hai, let this is true for n is equal to k. So pk kya ho jayega? Therefore pk will become, sorry, 1 square plus 2 square plus 3 square and so on plus k square is equal to k into k plus 1 2k plus 1 upon. तो n is equal to k के लिए हमने इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिख लिया. Now we have to prove. यहाँ भी हमने assume कर लिया, यहाँ assume करना है. ये step of induction है हमारा. अब इसको n plus 1 term के लिए और k plus 1 term के लिए true करना. अब अगर ये squares of natural numbers हैं, तो इसकी next संख्या क्या होगी? इसकी next संख्या होगी k plus 1 का square. इसकी next संख्या होगी k plus 1 का स्क्वायर. तो k प्लस 1 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है. तो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 स्क्वायर. नाउ सम ऑफ दीस, sum of these is given to be this. So we substitute all these terms by this sum. ठीक है. तो इसको हम इससे substitute कर देंगे. So what do we get? P of k plus 1 is k into k plus 1 2k plus 1 upon 6 plus k plus 1 square. Okay. So what do we see here? That k plus 1 is common. This k plus 1 ko hum common le lete hain. Kya bacha hamare paas? K 2k plus 1 upon ye wala 6. So yahan bacha k प्लस 1. एलसीएम ले लो, खोल दो इसको. k प्लस 1 यू गेट 2k स्क्वायर प्लस k प्लस 6k प्लस 6 अपॉन 6.
So this is 2k square plus 7k plus 6 upon 6. अब ये देखें, इसका हमें स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म करना है, फैक्टर बनाने हैं. ये 6 और ये 2, 12, 12 के दो फैक्टर, जिससे कि सम 7 आ जाए. ठीक है सर, कौन कौन से बनेंगे? है बेटा 4k and 3k. हाँ 4 and 3. ठीक है, सो वी प्रोसीड विद दिस. k प्लस 1 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k प्लस 6 अपॉन 6. हम ये क्यों कर रहे हैं? हमें इसको दो फैक्टर में एडजस्ट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तीन टर्म है, 1, 2, 3. तो यहाँ पे भी हमें तीन टर्म चाहिए, 1, 2, 3. तो अब इसके दो फैक्टर क्या बन गए? k प्लस 1, इससे क्या कॉमन आ रहा है? 2k. यहाँ से क्या बचा? 1k. यहाँ से क्या बचा? 2. यहाँ से 3 कॉमन, तो यहाँ से ये बचा k प्लस 2 होल अपॉन 6. तो ध्यान से देखें, ये हो गया k प्लस 1, सेकंड फैक्टर हो गया k प्लस 2, तीसरा फैक्टर हो गया 2k प्लस 3 होल अपॉन 6. अब हमें इसको अरेंज करना है ताकि इसकी शेप ऐसी हो जाए, ताकि ये इसकी शेप इस प्रकार की हो जाए. मतलब k की जगह हमें क्या दिखना चाहिए? अब k प्लस 1 दिखाई देना चाहिए, k की जगह k प्लस 1 दिखाई देना चाहिए. तो इसको हमें ऐसे अरेंज करना है कि k की जगह k प्लस 1 दिखाई दे. सो दिस विल बी री रिटर्न एज, इस k की जगह k प्लस 1 पहले से ही है, तो ये ऐसे ही रहेगा. k प्लस 2 को हम लिखेंगे k प्लस 1 प्लस 1, और इसको लिखेंगे 2k प्लस 2 प्लस 1. ठीक है, अब 2k प्लस 2 में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 प्लस 1 होल अपॉन 6. ठीक है, तो अब देखिए ये सारा हमने सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में लिया है. अब दिस फॉर्म एंड दिस फॉर्म आर सेम. ठीक है, इससे आगे हमें नहीं जाना है, और इस यहाँ पे हम इसको कहते हैं हेंस, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंड बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स. ठीक है, सो दैट इज हाउ वी प्रूव दिस सच क्वेश्चंस.